नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, स्वागत है आपका खबर 24 आवर्स में। इस पेशकश में हम बात करेंगे उस अहम मुद्दे की जो केंद्र सरकार को नाको चने चबा सकता है। हम बात कर रहे हैं यमुना मुक्तिकरण की, जो 15 मार्च को कोसीकला से शुरू होकर दिल्ली पहुंच चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, पेश ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय टोल टैक्स मोड़ पे और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यमुना मुक्तिकरण के लिए सामने एक स्टेज लगाया गया है, भव्य स्टेज लगाया गया है, जहां पर तमाम मथुरा के साधु संत बैठकर प्रवचन दे रहे हैं यमुना मुक्तिकरण को लेकर। आप देख सकते हैं कि लोगों का जो जन सैलाब है वो कितनी संख्या में है। आपको बता दें इससे पहले कि 15 तारीख को कोसी से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, जो कि दिल्ली कल रवाना हो जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से 12 तारीख को भी एक यात्रा निकाली गई थी यमुना रक्षा दल के नेतृत्व में। 15 मार्च को दिल्ली संसद पहुंची, आश्वासन मिला, वापिस लौट गई, लेकिन कोसी कला से फिर से एक बार ये यात्रा निकाली गई है। तमाम साधु संत तमाम राज्य से आ चुके हैं और इस वक्त NHPC सराय टोल टैक्स मोड़ पर मंच लगाकर प्रवचन सुनने के लिए बैठ चुके हैं। इनसे जानेंगे इनके कौन से मुद्दे हैं या फिर वही मुद्दा लेकर ये सरकार के समक्ष जा रहे हैं। यमुना मुक्तिकरण के लिए टीवी चैनलों पर रामायण व गीता का पाठ पढ़ाने वाले साधु संत एक मंच से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आमरण अनशन करने बैठ जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि दर्द की दवा भी हम हैं और हमें
हमें ये भी मालूम है कि दर्द क्यों हुआ, प्रदूषण पैदा किसी और ने नहीं किया, वो हमने पैदा किया। जिन स्थानों के प्रति हमें श्रद्धा है, क्या उन स्थानों के प्रति हमारे व्यवहार में संवेदनशीलता रही? कभी नहीं रही। हमें अपने हृदय पे हाथ रख के देखना होगा। मां भारती की जय जयकार की हमने, दुनिया ने हमें भ्रष्टों की पंक्ति में माना। अपने देश के अंदर अगर 10 रुपया भी सीमा पर किसी को दे दिया जाता, 10,000 दे दिया जाता, तो भारत के अंदर RDX पहुंच जाता है। देश की हम सीमा पर खड़े, देश का नेतृत्व किया, या विद्यालय में हम शिक्षक की भूमिका में है, संप्रदायों का संचालन कर रहे हैं, कदाचित स्मरण रखना ही होगा कि भारत भूमि है महान, लेकिन हमारी भूमिका भी तो है महान। अभी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने निर्देश किया है कि गंगा का शुद्धिकरण तभी संभव होगा जब सारे उसकी सहायक नदियों का शुद्धिकरण होगा, लेकिन सभी सहायक नदियों का शुद्धिकरण तब होगा जब राजनीतिज्ञों की मानसिकता का शुद्धिकरण होगा। और इसीलिए उस शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया है, आप चल रहे हो, आपने चलना है, अवाध गति से चलना है, और तो कोई विकल्प है ही नहीं। एक ही बात का निवेदन करती हूं, बार बार नदी मिलती है सागर को, बार बार मिलती है, वो मीठी है, सागर खारा है, सागर पूछता है कि तू तो मीठी है, मैं तो खारा हूं, तू कब तक आके मुझसे मिलती रहेगी? तो वो नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहेगी। यमुना मुक्तिकरण के लिए तमाम साधु संत मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ, कैसे यमुना मुक्तिकरण होगा मेरा सवाल। सभी संतों की मांगे मांग के पूरा हो जाएगा। मांगे हैं, आप संबोधित कर रही थी तमाम भक्त गंदे, आप मोदी जी की प्रशंसा भी कर रही थी कि वो एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो गंगा की अभिषेक कर रहे थे, आप रोए भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका यमुना? इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी बल्लभगढ़ से यमुना रक्षा दल के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई, आश्वासन मिला वापिस लौट गए, लेकिन आपकी जो जनसैलाब है, संख्या है, वो काफी तादाद है, क्या लगता है कि इस तादाद को देखते हुए मोदी सरकार झुकेगी? मुझे लगता है कि सरकार के स्वयं इरादे हैं इस काम को करने के। जो जायको दिख रहा है, लोगों का जो हुजूम दिख रहा है, इससे क्या लग रहा है कि कुछ नियम ऐसा बनेगा या फिर? मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा जो यमुना जी हमेशा वृंदावन मथुरा के घाटों को धन्य करती रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सफाई के लिए मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना मुक्तिकरण के लिए सरकार वादे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। यदि ऐसा होता तो यह ना आंदोलन होता, ना इस पेशकश को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता। एक अलग मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए खबर 24 आवर्स।